अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसा आप सब लोग। दिस इज़ मी सनिया इन माई चैनल डेली लाइफ विद सनिया। टुडे इज़ 17th रमज़ान, 27th मार्च, वेंसडे का दिन है और ऑलमोस्ट 12:45 हो रहे हैं। आप लोग देखें, बहुत ही मज़े का मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और हवा भी चल रही है। सो भाई, आज का व्लॉग है मेरी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे बाल इतने ख़राब हुए हुए हैं, मेरा सारा डाई वॉश आउट हुआ हुआ है। ये हेयर कलर मैंने कोई मेरे ख्याल से 8-9 महीने पहले कराया था। हेयर कट मैंने अक्टूबर में कराया था, उसको भी 6-7 महीने हो गए हैं। सो मेरे बाल बहुत गंदे हो रहे हैं। आई बीन वेटिंग फॉर दिस हेयर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अ वाइल नाउ, लेकिन मैंने कहा अब ईद से करीब ही कराऊंगी, तो अब बिल्कुल मुझे लगता है बिल्कुल ठीक टाइम है इस हेयर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि 2 हफ्ते रह गए हैं ईद में और ईद के करीब पार्लर्स में बहुत रश हो जाता है, जैसे कि ईद से 1-2 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले। तो स्टे ट्यून्ड विद मी इफ़ यू वॉन्ट टू सी माई हेयर ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं मेरे बाल, आई एम श्योर। मैं या तो बालियाज कराऊंगी या तो फुल वन टोन हेयर डाई कराऊंगी। अच्छा जी, मैं आई हूँ इस पार्लर में, ब्यूटी नाउ इन गुलबर्ग ग्रीन्स। यहाँ पे मैं हमेशा अपनी हेयर सर्विसेज के लिए आती हूँ। आई नो द ओनर तैयबा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। अच्छा जी, 1 बज गया है और मेरी हेयर सर्विसेज अभी स्टार्ट होने वाली है। मुझे लगता है यहाँ पे अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि भैया आज इफ्तारी आप मैनेज कर लिएगा, क्योंकि मुझे आते आते 6 बज जाएंगे ऑलमोस्ट। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे मैं 6 बजे तक फारिग होंगी। अच्छा जी, तो ये इनिशियल असेसमेंट हो रही है मेरे बालों की और मुझे लग रहा है अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा, क्योंकि बहुत काम होने की ज़रूरत है। आप लोग देखिए, डाई कलर सारा वॉश आउट हो चुका है, जिसकी वजह से गोल्डन, येलो और ऑरेंज टोन्स नज़र आ रही है मेरे बालों में, विच लुक रियली बैड। नीचे से बाल सारे फ्रिजी मुरझाए हुए हैं और रूखे हुए हैं, स्प्लिट एंड्स आए हुए हैं जिनको काटने की ज़रूरत है। आई विल ऑल्सो गेट अ बोटॉक्स ट्रीटमेंट डन, तो भाई अच्छा खासा खर्चा होने वाला है। स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर वॉश और हेयर कट, क्योंकि मैं मल्टीपल हेयर सर्विसेज एक साथ दे रही हूँ, इंक्लूडिंग हेयर कट, बालियाज एंड बोटॉक्स, तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर है जिसमें सर्विसेज होंगी मेरे बालों पर। बालियाज के अपने 2 से 3 स्टेप्स होते हैं, जिसके अंदर पहले बेस कलर चेंज होता है, फिर हाईलाइट्स ऐड होती हैं, फिर टोनिंग होती है। सो लेट्स सी कि आगे किस तरह लेके चलते हैं ये लोग, अभी मुझे सही से नहीं पता। सबसे पहले तो मेरा हेयर वॉश किया है, उसके बाद हेयर कट कर रहे हैं। हेयर कट के लिए मैंने अपना स्टाइल ज़्यादा चेंज नहीं कराया, जो स्टाइल मैंने पिछले 6-7 महीने से रखा हुआ है मैंने उसी को रिफ्रेश करवाया है। सो बेसिकली नीचे से स्प्लिट एंड्स को ख़त्म करने के लिए ट्रिमिंग की जा रही है, मैंने लेंथ ज़्यादा छोटी नहीं करवानी। इसके अलावा पूरे बालों की लेंथ में ब्लेंडेड लेयर्स हैं और सामने से फेस ट्रिमिंग के लिए कर्टन बैंग्स हैं, ऑल्सो इन अ वेरी ब्लेंडेड लुक। अच्छा जी, तो बालियाज के लिए सबसे पहले मेरा बेस कलर चेंज होगा, क्योंकि मेरे बालों का जो ओरिजिनल कलर है वो बहुत डार्क है, इट्स वेरी ब्लैक, जो कि पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था। नाउ आई हैव ग्रोन टू नॉट लाइक इट सो मच। सो बेस कलर चेंज होगा और उसके ऊपर हाइलाइट्स आडूंगी फॉर क्रिएटिंग दैट बालियाज इफेक्ट। सो सबसे पहले अभी मेरा बेस कलर चेंज किया जा रहा है। अच्छा जी, ये कलर चेंज के लिए मेरे बालों पे फॉइल लग चुका है। माय होल हेड इज़ फुल ऑफ फॉइल्स एट द मोमेंट, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये 45 मिनट्स के लिए लगने हैं, उसके बाद देखेंगे कि कलर आ चुका है कि नहीं, लेकिन 45 मिनट्स इज़ अ लॉट ऑफ टाइम। सो तैयबा वाज सेइंग कि आई आई जाएगा 45 मिनट्स में, और 40 मिनट्स हैव ऑलरेडी पास्ड। माई हेड फील्स सो हैवी बिकॉज ऑफ ऑल दीज फॉइल्स। अच्छा, मेरे पीछे से फॉइल्स उतार के देख रहे हैं कि कलर आ चुका है या नहीं। अच्छा, ये वॉश कर रही हैं आप? हम्म, कटिंग शैम्पू से। ओके ओके, अच्छा
ओके दिस इज़ इन प्रोसेस एंड राइट नाउ आई लुक लाइक वो जो मोहल्ले के बॉयज़ नहीं होते हैं जो थोड़ा सा बालों पे डाई लगा कर आ जाते हैं, सामने से दिखाती हूँ. लुक एट मी गाइस, आई लुक लाइक सलमान खान फ्रॉम तेरे नाम. आई टस्ट माई हेयर वेन द डाई वॉज ऑन एंड लुक एट ऑल द स्टेन्स आई गॉट. अभी पता नहीं उतरेंगे कि नहीं. अच्छा गाइज, मेरे बालों पे बोटॉक्स एप्लीकेशन हो गई थी जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी. इस एप्लीकेशन को 30 से 40 मिनट्स मेरे बालों पे रखा गया है और अब वॉश किया जा रहा है. फाइनल डाई एप्लीकेशन हो रही है मेरे बालों पर, जिसके बाद मेरे बाल आज का कलर निकलेगा और पता चलेगा कि हेयर ट्रांसफॉर्मेशन कैसी लग रही है. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस. ये ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप है आज की सर्विसेज में. अब तक मैं 18,600 रुपीज़ की सर्विसेज ले चुकी हूँ, विच इज़ अ लॉट. और अभी बाल आज के भी पैसे ऐड होने हैं, सो देखते हैं उसका बिल कितना बनता है. दिस इज़ द फाइनल कलर गाइज, आई टोटली लव इट. मुझे इसी तरह ब्लेंडेड और नेचुरल से ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए थी. आई फील दिस इज़ परफेक्ट फॉर व्हाट आई वांटेड. पैसे मेरे अच्छे खासे खर्च हो चुके हैं. बाय द वे, मैं अगले क्लिप में आप लोगों को बताती हूँ कि कितने पैसे मैंने पे किए हेयर ट्रांसफॉर्मेशन के. है मेरे बाल इतने गंदे हो रहे थे, आई कैन नॉट इवन बिलीव दैट आई वॉज लिविंग विद दोज हेयर. सो कोई नहीं, चलो एक काम करवाना था वो हो गया है.